सो गाइज, आप लोगों को आज मैं कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाला हूँ, कुछ ऐसे प्रूफ दिखाऊंगा जो शायद पूरे यूट्यूब के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, जो मैंने खुद एनालिसिस करी है और अपनी जो मिनोक्सिडिल बियर्ड जर्नी थी 4 मंथ की, उसमें मैंने ये सब चीज़ें फेस की हैं। ठीक है, तो मैं प्लीज़ आप लोगों को ये सब चीज़ें दिखाने चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों के माइंड में भी क्वेश्चन है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का पैसा बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल मिस्टर अंसारी भैया, मैं और आप देख रहे हैं मिस्टर अंसारी को। तो गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने मिनोक्सिडिल अपने स्टार्ट किया था वो 20 फरवरी को स्टार्ट किया था, और जो मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी थी वो मैंने करी थी शायद 25 मार्च या 26 मार्च को, पहली अपनी मिनोक्सिडिल बियर्ड जर्नी की। तो दो, उसमें मैंने सिर्फ आज तक दो ही ब्रांड यूज़ किए हैं, एक टूगेन और एक मार्स बाय GSC का जो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जो टूगेन की 2 बोतल लगाई है और मार्स की 1 बोतल लगाई है, और एक महीने गैप किया था। तो गाइज, मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फैक्ट दिखाने वाला हूँ जो कि पूरे यूट्यूब चैनल पर आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो अभी आप मेरी बियर्ड की कंडीशन देख सकते हो, पहले आप ठीक है देख लो, आप पहले यहाँ बियर्ड आ रही है, यहाँ बियर्ड आ रही है, और यहाँ भी बियर्ड आ रही है। अब चीज़ें क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ कि ये वाली जो पिक आप मेरी देख रहे हैं, ये सबसे पहले की पिक है जो मैंने मिनोक्सिडिल लगाने के शायद 10-15 या 20 दिन के बाद की पिक है। ठीक है, तो इस पिक में देखिए, आपको मैं कुछ शो करता हूँ। यहाँ की जो आप देख रहे हैं ये वाली चीज़ें, ये चीज़ें आप गौर करो, आप देख सकते हैं। फिर आप ये वाली पिक देखिए, मेरी जो नेक के नीचे वाली है, यहाँ पे जो मेरी बियर्ड आ रही है, इस चीज़ को देखो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ। ये 1 मंथ बाद की पिक है, आप देख सकते हैं यहाँ की। सिर्फ आपको यहाँ देखना है, कुछ यहाँ देखना है और यहाँ देखना है। ठीक है, अब दिखाता हूँ मैं आपको 2 महीने बाद की, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखते रहो आप पहले। अब दिखाता हूँ आपको 3 मंथ बाद की, देख लिया आपने। अब दिखाता हूँ मैं ये वाली पिक जो मैंने बियर्ड अपनी शेप करी थी, देन उसके बाद के जो रिजल्ट्स हैं आप देख लो। ठीक है, अब जो पिक है ये करंट की पिक है, इससे आप लोगों को कुछ समझ में आया। मैं आप लोगों को बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मिनोक्सिडिल परमानेंट है या नहीं है, इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके ऊपर तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मिनोक्सिडिल से शायद पैची बियर्ड आते हैं, मेरी पैची बियर्ड आ रही है अभी। जैसे कि पहले जो मैंने 1 मंथ के बाद जो मेरी अच्छी ग्रोथ हुई थी, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी 2 महीने बाद भी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि मेरी बियर्ड शुरू से ही यहाँ पर और यहाँ पर आई नहीं। मैं मिनोक्सिडिल लगा रहा था, कंटिन्यू लगा रहा था, लेकिन मेरी बियर्ड यहाँ पे आई नहीं, ना यहाँ आई ना यहाँ आई। क्यों नहीं आई भाई, सब जगह आई बियर्ड लेकिन यहाँ क्यों नहीं आई? मैं मिनोक्सिडिल लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं यहाँ नहीं लगा रहा, यहाँ नहीं लगा रहा या यहाँ नहीं लगा रहा। हाँ, ये सोचने वाली बात है भाई। बियर्ड है वो कुछ जगह पर आ ही नहीं रही, चाहे मैं मिनोक्सिडिल को 2 बार यूज़ करूँ चाहे 1 बार यूज़ करूँ। मुझे लगा कि शायद ये नहीं आ रही है, शायद मैं यहाँ पे कम लगाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 टाइम यूज़ किया लगाना, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर मैंने बियर अपने यहाँ पर लगाना 2 बार स्टार्ट किया। सिर्फ मैं यहीं यहीं लगाता था और यहाँ लगाता था, बाकी रात में तो मैं सब जगह लगाता था। तो मैंने देखा कुछ दिन बाद भी, तब भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिले, तो शायद कि मिनोक्सिडिल से मेरी कुछ जगह पे काम नहीं कर रही है मिनोक्सिडिल मेरे बॉडी के ऊपर शायद। अब पता नहीं आप लोगों के, अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है कि आपकी पैची है, आपकी बियर्ड पैची आ रही है, आपके ढंग से बियर्ड जो है वो फिल नहीं हो पा रही है, कहीं पर छूट गई है जगह यहाँ पर, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मुझे बताना। ठीक है, और तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या चीज़ें आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, बियर्ड परमानेंट होती है नहीं होती है, इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी बस मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ, ये बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप लोगों को आ रही है तो प्लीज़ बताना। अब बताता हूँ कि इसके कुछ टिप्स जो आपको, कुछ ऐसी गलती जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब आप लगाओ तो सबसे पहले आपको अपनी बियर्ड को शेव कर लेना है। ठीक है, शेव करने के बाद ही अपनी मिनोक्सिडिल बियर्ड जर्नी स्टार्ट करनी है, और 2 इंच की ग्रोथ होने से पहले अपनी बियर्ड को शेव या ट्रिम मत करना। ठीक है, क्योंकि वो एक साइंस है, वो साइंस में मैंने पहले की बहुत सारी वीडियो में बता रखा है कि क्यों 2 इंच की बियर्ड को करने के बाद ही शेव करना है। ठीक है, अब बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो करना यह है कि सबसे पहले आपको शेव करना है, देन अपनी मिनोक्सिडिल बियर्ड जर्नी स्टार्ट करनी है, और जो 2 टाइम लगाते हैं वो 2 टाइम लगाओ, और जहाँ पर लगता हो कि आपका ये वीक एरिया है और यहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, प्लीज़ वहाँ पर भाई कई बार लगाओ,
ठीक है, 2 बार लगा रहे हो तो 2 बार में यहाँ पे सबसे ज्यादा लगाओ, मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा लगाता था, यहाँ पे सबसे ज्यादा लगाता था। तो जो भी आपको लगता है कि जहाँ पर एरिया आपका वीक है, जहाँ पर आपके हेयर फोलिकल में से हेयर नहीं आ रहे हैं, उस जगह पर ज़्यादा मिनोक्सीडिल लगाओ। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो डर्मा रोलर यूज करो, या बहुत सारे चीज़ें हैं। अगर आप डर्मा रोलर के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैंने डर्मा रोलर ऑलरेडी खरीद कर रखा हुआ है बस आप लोगों के लिए, तो बता देना, मैं वीडियो शूट कर लूँगा। ठीक है, तो बस मैं आप लोगों को कुछ यही बता रहा था कि प्लीज़ ये गलती मत करना आप लोग, कि आपकी भी शायद फिर बियर्ड ऐसे पैचेस ना रह जाए। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि मेरी बियर्ड परमानेंट हो गई है। हाँ, ये बियर्ड मेरी परमानेंट हो गई है, और बियर्ड परमानेंट तो हुई है लेकिन कुछ पैचेस रह गए हैं, कुछ शेड होने के बाद जो बियर्ड बची वो परमानेंट हो गई। लेकिन भाई कुछ बंदे ऐसे हैं जो बहुत दिन से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन 11 मंथ हो गए, 15 मंथ हैं, उनकी टर्मिनल नहीं हुई है। ठीक है, तो मेरी बियर्ड टर्मिनल हो गई है, बियर्ड स्टाइल रख सकता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं ये मैं बियर्ड स्टाइल अपने रखता हूँ। तो बस यही आप लोगों को अपडेट देनी थी। तो प्लीज़ इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन चाहिए या कुछ आंसर अभी भी आपको नहीं मिले हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कर देना, मैं सब लोगों के रिप्लाई दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कॉल पे बात कर रहा हूँ, जैसे मुझसे हो रहा है मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कोई यूट्यूबर रिप्लाई नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों का भाई हूँ, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और इंस्टाग्राम पे मेरा मिनोक्सिडिल बियर्ड ग्रोथ के ऊपर मैंने ग्रुप भी बना रखा है, मिनोक्सिडिल इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और टेलीग्राम पे भी मैंने ग्रुप बना रखा है मिनोक्सिडिल को लेकर, तो प्लीज़ वहाँ पे भी आप फॉलो कर लेना। तो फेसबुक पे अगर आपको रिप्लाई चाहिए तो फेसबुक पेज पे भी आप फॉलो कर लेना। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।